फाइनल फाइनल बदलना तो नहीं है? नहीं। अब देखो सब लोग बैठे बैठे देखो, अब नहीं बदलना चाहते लॉक, पहले किसको भेजना है? आंटी जी को, बहन जी को। आओ बहन जी, ऐसा तो नहीं कि इनको पहले भेजना? नहीं, बैठो नजदीक और नजदीक आओ, माइक लो। कहां से आई हैं आप? माइक मेरठ। मेरठ से? कितने प्रश्न हैं? बहुत है। पूछो पूछो, अभी हमने पर्चा नहीं उठाया, तुम तो पूछो। बहुत है। सबसे माइक, हाँ माइक से बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो कम समय में। सबसे मेन चीज है मेरे हस्बैंड को, मतलब काफी उनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कहीं भी लड़ने झगड़ने में ऐसे रहते, तो मैं चाहती हूँ। और भी चीजें हैं, ड्रिंक करते हैं जी। और कोई प्रश्न पूछेंगे? सबसे ज्यादा वो अपने जैसे परिवार से, जैसे भाई है, मम्मी पापा, अपने परिवार से वो ज्यादा लड़ते, मतलब वो अपने आप। और कुछ पूछेंगी? है तो बहुत सवाल, और बोलो। और मुझे कहीं कहीं जैसे मंदिर में या यहाँ किसी को आपने ये विषय बताए? नहीं। आप माइक नजदीक करो। इनको जानती हैं आप? नहीं। दरबार में किसी को परिचय दिया? नहीं, मैं फर्स्ट। आपने सुना इनको? नहीं। अच्छा, कभी परिचय तो हुआ नहीं? अभी नहीं। अब आप दो परिचय हैं, नंबर एक और नंबर दो। आप जो नंबर बोलेंगे और जो इनके प्रश्न हैं वो उसी नंबर के पर्चे में निकल करके लिख कर आएंगे। मेरे दो और भी क्वेश्चन है। हाँ, कहीं भी मैं जाती हूँ जैसे भजन, शरीर पर दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इनको बोलने दो। आप जो नंबर बोलेंगे, एक और दो, दो नंबर के पर्चा हम बनाए हैं मात्र, दो, दो के बाद नहीं, दो नंबर फाइनल कंफर्म। अभी सोच लो, कंफर्म। बदलना तो नहीं है? नहीं। एक नंबर कह दो। बिल्कुल नहीं। एक नंबर कह दो। जो सर, अरे यार दो ना कहा। जो सर फाइनल है, फाइनल है। अरे यार दो ना कहा। गुरुजी दो ही ता, दो ही है। बोलो बागेश्वर धाम की। अब हम निकाल रहे हैं, ये कितना नंबर है? दो नंबर। ये भैया चेक करवाओ, ये दो नंबर है। आओ नजदीक पढ़ो। पितर घूम रहे, पति परेशान कर रहे हैं, कलेश करते हैं, काम काज रुका है, नशा करते हैं, सुधर जाएंगे, कृपा होगी, आशीर्वाद, सुख शांति रहेगी, शरीर की जकड़न ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की। यही दिक्कत है। और आर्थिक उन्नति होगी, स्वयं के कार्य में भी सफलता होगी, आपके शरीर पर तंत्र शक्ति जकड़ रही है, जो सवारी बनाती है, उसके लिए धाम पर आपको आना है, बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। ये मंत्र है। और आजकल मेरे लड़का जो है काफी पढ़ने में भी, पहले बहुत फर्स्ट अच्छे से आता था, पर अब पढ़ने में भी वो हो गया कमजोर। ये मंत्र है, इसकी तीन माला करनी, धाम की पेशी करनी, ठीक। और पितरों का उपाय आपको किसी भी तीर्थ में करवाना है, तीर्थ में करवाना है। घर पर अभी सफेद रंग का झंडा गाड़ देना, आज से सवारी बंद हो जाएगी, शरीर में वाइब्रेशन कंपन बनता है, झूमना बनता है, बोझ बन जाता है, पूजा पाठ के समय ज्यादा बोझ बन जाता है। आप दुर्गा मंदिर जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। माइक नजदीक करके बोलिएगा, ठीक है। आपस में क्लेश भयंकर होता है, दोनों में बनती नहीं है, बीच बीच में अलग होने की टकराव स्थिति हो जाती, आप नाराज होकर के आ जाते हैं, पूजा पाठ को लेकर के वो आपको डांटते हैं, उसको लेकर के भी क्लेश होता है, दरबार में आने के पहले भी आपका क्लेश हुआ है, और उसके पहले भी आप कई जगहों पर जा चुके हैं, पेट में पीड़ा बनती, अपच होता है, इनमें भी आराम लगेगा, आशीर्वाद है। थे क्या पर्चा यही बोल रहा? हाँ जी। एकदम सही। हाँ जी। ये कितने नंबर का पर्चा है? यहाँ पे आने से पहले, एक सवाल, आने से पहले दो दिन पहले जैसे मेरे देवर आने के लिए यहाँ बोल रहे थे, उससे पहले मैं बहुत बीमार थी, जो मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, पकड़ के मुझे उठाते, फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी, तो पकड़ो, पहले मैं ठीक हुई हूँ। वाह, और ये पर्चा वहाँ भी दिखा दो, इस पे भी देखो भैया, ये दो नंबर पहले यहाँ दिखाओ, हाँ,
दिन पहले ठीक हुई हूँ। वाह, अब ये दिखाओ। उससे पहले मैं ये आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। मैं चल भी नहीं पा रही थी। हाँ, बालाजी दया करके लो नंबर, अब आपका तो फाइनली है, एक नंबर बचा है, आ जाओ। हाँ जाओ, आप बोलो बागेश्वर धाम की जय। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की अद्भुत महिमा है कि आपकी बुद्धि जहां तक नहीं चलेगी उसके आगे से शुरू कर किया जाता है। माइक लो, अपना प्रश्न बोलो। माइक को ऊपर। मेरा प्रश्न कुछ नहीं। हाँ, मैं किसी के साथ आया हूँ। किसके? मिलने वाली आंटी है हमारी, एक फ्रेंड है मेरा। मैं किसी के साथ आया हूँ, एक हमारी आंटी है, एक मेरा फ्रेंड है। हाँ, उनके साथ आया हूँ। सिर्फ फ्रेंड ही है? चलो, क्या चाहते हो आप? बोलो, भूत प्रेत हैं? नजदीक आओ। नंबर एक, ये भैया क्रॉच करिए। एक नंबर है, एक नंबर। आइए, आपका कोई प्रश्न नहीं है, माइक से बोलिए। यही लिखा बोल रहा जी। आपका कोई प्रश्न नहीं है, जिनके साथ आए उनके घर में विवाद प्रेत समस्या बनी, आशीर्वाद होगा मित्र की, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, काली पूजा करवा दें, आशीर्वाद है। यही बोल रहा है, एकदम सही। उनको जो है दरबार में धाम पर लाना है, अभी प्रेतराज सरकार का उपाय कर देते हैं, पर धाम पर लेकर के आना है। पेट में भी उनको पीड़ा बनती है जी, जकड़न बनती है जी, कंपन होता है जी, पागलों जैसी स्थिति बीच बीच में हो जाती है जी। सामने बैठे हैं, एक बार अभी बुला देना, बाद में एक मंत्र लिखा उनके लिए ही, ये मंत्र है, तुम भी धाम आओ, बहुत बिगड़ेल आदमी हो, सुधरो, भाषा समझ गए हुई हो, जाओ आप बैठ जाओ। अरे कहाँ हाथ धर दो, सुधर जे, पक्का गलत रास्ते पे तो ना जे, लेता जा। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की।